हालेलुया हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, या पिता रात्रि कालीन को पास प्रार्थना है प्रभु जी, जितने लोग शामिल हो रहे हैं पिता, हर रीक को हम आशीष करते हैं, हर रीक को हम ब्लेस करते हैं पिता, और आपके नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। चिंता परेशानी समस्याएं दुख दर्द इनके जीवन से बाहर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। स्वर्गीय ब्लेसिंग के साथ ये ब्लेस हो जाए पिता, इनके काम सफल हो जाए, घरों में सुख शांति आने पाए, हर एक के जोड़ते स्वर्ग से पूरी हो जाए यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के उपास प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं अपने जीवन में, अपने घरों में प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि यह प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों से भर रहा है। हालेलुया। वो आपके जीवन में अपनी आशीषों को प्रकट करने जा रहा है। इब्रानियों 13 अध्याय के 5 वचन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागू। आमीन। जो हमारे पास है मेरे पियो, हम उसमें संतुष्ट रहे। दूसरों को देखना नहीं है कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है और ये ऐसा जीवन जी रहा है, इसके पास किस चीज की कमी है। दूसरों को देख हमारे अंदर जलन नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अविश्वासी करते हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं उनके अंदर छल कपट भावनाएं भय रहती है। लेकिन हम मसीह के लोग हैं, हमें प्रभु के पीछे हमें चलना है, हमें आज्ञाओं को पालन करना है और हमें उन्हें आशीष देना है कि तू और पढ़े, तू और फलवंत होए। हालेलुया। हमें प्रभु आशीष करेगा, हमें अपनी आंसुओं से भरेगा, हम विश्वास करें हमारे लिए कार्य परमेश्वर करेगा। जो तुम्हारे पास है उसी में तुम संतोष करो, जो तुम्हारे तुम्हें मिल रहा है, जो प्रभु तुम्हें दे रहा है उसमें संतोष करो और प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु मुझे और आशीष करे, मुझे और बढ़ा। मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जब उसी में तुम संतुष्ट रहोगे और उसी में प्रभु के कार्यों पर तुम आगे आओगे, परमेश्वर आने वाले दिनों में तुम्हें और फलवंत करेगा, तुम्हें और बढ़ाता चला जाएगा और तुम्हें अपनी आशाओं से भरपूर करता जाएगा। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग अपने बीज को बोया है प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए हम हमारी मिश की हर रोज बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता। अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जिंदा खुदा तुम्हारे लिए असंभव को संभव कर रहा है, तुम्हारे कामों को सफल कर रहा है। ये सावा राबा सिखा राबा, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये आशीष हो जाए पिता, इनके कामों के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए, इनके काम सफल होने पाए पिता, इनकी जंजीरें टूटने पाए। ओ रिसिखिर यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, दिन भर पिता उपास रहने में सहायता की, आने जाने में सहायता किया, त्राव में सुरक्षा प्रदान किया और अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये आशीष हो जाए, इनके काम सफल होने पाए, रुकावटें बधाई इनके जीवन जो भी है वो सब आपके नाम से दूर हो जाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते, सारी चिंता परेशानी निराशाएं दूर हो जाए, घरों में सुख और शांति आने पाए, ओ पितांत की दरिया बहने पाए इनके घरों में। जो घर में लड़ाई झड़ी की आत्माएं कार्य करे पिता, वो सारी लड़ाई झड़ी की आत्माओं से मैं इन्हें छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आनंद और शांति आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, बिगड़े रिश्ते बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। जो बातें पिता परमेश्वर रीदारा सिखा रहा, जो बातें पिता परमेश्वर इनको घेर के रखी है पिता, उन बातों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक जंजीरें टूटने पाए और पिता घरों में सुख शांति आने पाए। जो बातें तलाक तक ले गई पिता, उन बातों से मैं इन्हें छुटकारे की घोषणा करता हूँ और इनका जीवन में घर शांति में आशीष आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए और आपकी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए।
यीशु के नाम ही आशीष हो जाए, इनके काम सफल होने पाए, चिंता और परेशानियां सब इनके जीवन से दूर होने पाए, नई नई ब्लेसिंग नई नई आशीषें इनके जीवन में उतरने पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, सारी चिंता परेशानी निराशाएं इनके जीवन से बाहर जाए, इनके रास्ते खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। स्वर्ग की ब्लेसिंग के साथ ये ब्लेस हो जाए, स्वर्ग की आशो से ये भर जाए। ओ बाबा रब शिखर रबा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ही आशीषित हो जाए पिता। आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं पिता। चिंताएं परेशानियां इनके जीवन से दूर हो जाए, घर में जो भी समस्याएं पिता उन सारे घर की समस्याओं से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। घर की आर्थिक तंगियां दूर हो जाए, पैसे की समस्याएं दूर हो जाए, जो भी जोड़ते पिता वो सब इनके जीवन में पूरी हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। चिंता परेशानी डिप्रेशन सब यीशु के नाम में बाहर जाए, जो डिप्रेशन में जीवन जी रहे पिता उस डिप्रेशन से मैंने आजादी की घोषणा करता हूं। हर प्रकार के डिप्रेशन वाली आत्माएं इनके जीवन से बाहर जाए, चिंता परेशानी करने वाली आत्माएं इनके जीवन से बाहर जाए, और आपकी आशीष से इनके घरों में स्वर्ग से उतरने पाए, स्वर्ग की ब्लेसिंग के साथ ये ब्लेस हो जाए पिता। और इस शिखरे भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनका परिवार इनका घर आशीष से भर जाए पिता। घर में जो भी समस्याएं जो भी परेशानी जो भी चिंताएं पिता वो सब आपके नाम से दूर हो जाए। विश्वास करें मेरे पियो, परमेश्वर आपको उन समस्याओं से निकाल रहा है, उन परेशानियों से दुखों से दर्दों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। नीति वचन तीसरे अध्याय के 26 वचन कहता है, परमेश्वर तुम्हें सहारा दिया करेगा, परमेश्वर तुम्हें सहारा दिया करेगा मेरे पियो, और तेरे पांवों को फंदे में फंसने ना देगा। मैं कह रहा हूँ शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाएगी, परमेश्वर तुम्हें बलवंत करेगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा और तुम्हारे कामों को सफल करेगा, तुम्हें फंदे में फंसने नहीं रहे देगा, तुम्हें निकालेगा। ओ हालेलुया, तेरे पापों को दृढ़ करेगा, तेरे तुझे बड़े स्थानों पर परमेश्वर बैठाएगा। पिता हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, चिंता परेशानी समस्याएं निराशाएं सब आपके नाम से दूर हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। नई नई ब्लेसिंग और नई नई आशीषें स्वर्ग से उतरने पाए, स्वर्गीय आशीष से भर जाए, स्वर्गीय ब्लेसिंग के साथ ये भर जाए पिता। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये आशीष हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। सारी चिंता परेशानी दुख दर्द इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता। ओ प्रभु जी, घरों में सुख और शांति आने पाए, आशीष आने पाए, बंधन टूटे, जंजीरें टूटे, मार्ग खुले, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, चिंता परेशानी समस्याएं सबसे आजाद हो जाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। अपना बोझ हवा पर डाल दो मेरे पियो, वो तुम्हारे लिए कार्य करेगा, वो तुम्हारे मार्गों को खोलेगा, वो तुम्हारे बंधनों को तोड़ेगा। किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बातें धन्यवाद और प्रार्थना के साथ उसके उपस्थिति में रखो मेरे पियो। यस यस, वो धन्यवाद का योग है, वो धन्यवाद का योग है, वो विश्वास योग है, वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा, तुम्हारे कामों को सफल करेगा, चिंता और परेशानी से परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा। इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, और जो भी समस्या जो परेशानी जो चिंता उन सबों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता। नई ब्लेसिंग के साथ ये ब्लेस हो जाए, नई आशीष से ये भर जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। रिसिक फिर रेबे आमेन आमेन आमेन। विश्वास करें परमेश्वर मार्ग खोल रहा है, जंजीरों को तोड़ रहा है, चिंता और परेशानी से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। पिता हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। अपनी आशीष से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें पिता। आपने ब्लेस की आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो कर्ज में घिरे हैं, सारे कर्ज की जंजीरें टूट जाए आज के उपास प्रार्थना पिता, इनके सारे बंधन टूटने पाए, सारे जंजीरें टूटने पाए, और हर
कर्ज की जाल यीशु के नाम में फटने पाए। ओ इसी समय सारे कर्ज के बंधन से छुटकारा मिलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जो कर्ज की जाल इनके जीवन में कार्य कर रही है उन सारे कर्ज के जालों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता। सारे कर्ज की जंजीरें टूटे पाए और यीशु के नाम में सारे कर्ज के बंधन से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। आपने सारे कर्ज के जंजीरों से आजाद कर दिया, सारे कर्ज के बंधनों से छुटकारा प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं। रीमा रास्ती खराबा जिनकी मेहनती कमाई रुक है पिता, कंपनी में ऑफिस में नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए। जहाँ पैसा फंसा है पिता, ओ पिता रुकावटें बधाएं दूर होने पाए। इनका इन्वेस्टर जो है पिता उनका हृदय मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई मिल जाए आपके नाम से, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ इसी समय यीशु के नाम यह ब्लेस हो जाए। इनके पिता कर्ज के जंजीरें टूटने पाए, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए, समस्याएं परेशानी चिंताएं निराशाओं से आपने आजाद की। आज के फास्टिंग प्रार्थना पिता हम धन्यवाद करते हैं। ये ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग रिसीव करते जाए, नई आसों से ये भरते जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ आबा राबा सिखा राबा यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। इनके घर परिवार में सुख और शांति आसों की बारिश होने पाए पिता और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आपने ब्लेस किया आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो बीमार पड़े हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो मारिया चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, हर प्रकार की मारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। यस यस भरोसा रखो उस पर, क्योंकि यर्मिया 39 अध्याय के 18 वचन हमसे कहता है मैं तुझे निश्चित बचाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे निश्चित बचाऊंगा क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है परमेश्वर उससे बचाएगा, बीमारियों से बाहर निकालेगा, चिंताओं से बाहर निकालेगा, दुखों से बाहर निकालेगा। जिसका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है यीशु कहते मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। मेरे पियो किसी बात की चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर, ओ रिस्खरे भी वह तुझे बचाएगा। ओ हालेलुया यीशु कहता जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। बीमारियों से तुम हताश निराश चुके हो, दुखों में हो, बीमारियां तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ रही है मेरे पियो। यर्मिया 66 अध्याय के 13 वचन के अनुसार कहता है माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, बल्कि उससे भी बेस्ट तुम्हें शांति परमेश्वर देगा मेरे पियो। ओ हालेलुया वो तुझे बचाएगा क्योंकि तूने उस पर भरोसा रखा है। और भरोसा करने वाले लोग कभी हारेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, परमेश्वर ने उठाएगा। तू नीचा नहीं बल्कि तुझे ऊपर ही रखेगा। पिता बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। और इससे खेर बीमारी चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए, बीमारी की जंजीरों से आजाद हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ इसी समय ये चंगे हो जाए। रीमा रामा सिक्का रावा हूला रावा रिका रावा रिकम जाया। हमारी के बंधन टूट जाए, हमारियाँ इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली पत्री गिल्टियाँ गांठे इनके शरीर से बाहर जाए, रसोलियाँ पत्रियाँ बाहर जाए, पेट के दर्द के बंधन से आजादी मिलने पाए। जो पेट की समस्याएं भी प्रकार की मारिया है पिता, गांठे हैं पत्रियाँ उस सब बाहर जाए। और यीशु के नाम में आज के उपास प्रार्थना में चंगाई की घोषणा करता हूँ। विश्वास करें मेरे पियो स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिर्फ और चंगाई दे रहा है। आपके शरीरों में सामर्थ्य प्रवाहित हो रहा है और आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। विश्वास करें यह चंगाई आपके शरीरों में प्रवाहित हो रहा है। बीमारी चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज की रात्रि कालीन पिता हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। रसोली पत्रियां बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, नसों का दर्द हड्डियों का दर्द बाहर जाए, झुनझुनी कंपन मिर्गी झट बीमारियां बाहर निकलने पाए, सिर दर्द काला मोतिया बीन यीशु के नाम में बाहर जाए और इसी समय ब्रिकल हो जाए, ऋषय क्रम प्रकट हो जाए। पिता हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुख और दर्द इनके जीवन से बाहर जाए
और ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। पिता जो बीमारियाँ इनके शरीर में कार्य कर रही हैं, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से ये आजाद होने पाए, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता, और आपके नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। बीमारियाँ इनके शरीर से बाहर जाए, बीमारियाँ इनके शरीर से बाहर जाए, दुख दर्द इनके शरीर से बाहर जाए, जो सालों से बीमारियाँ इनके शरीर में कार्य कर रही हैं, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। विश्वास करें मेरे पियो, परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है, आपको चंगाई मिल रहा है, आपके शरीरों में सामर्थ्य आ रहा है। यस, कमजोरियां वीकनेस जा रही है, पल पे पल प्राप्त कर रहे हैं। जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। जो बिस्तर पर लेटे हैं पिता वो चंगे हो जाए, उठने पाए, फिरने पाए, चलने पाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए। लकवे के रोग की पैरस के रोग की चंगे हो जाए, टीबी की बीमारियाँ बाहर जाए, थाइट की बीमारियाँ बाहर जाए, यूट्रस की बीमारियाँ बाहर निकलने पाए, खून की कमियाँ दूर हो जाए और पैरस के रोग की चंगे हो जाए। इसी समय पिता बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं पिता, प्रभु जीवन को आपके हाथों में सौंपते पिता, उन्हें सिफर चंगाई प्रदान कीजिए। ओ पिता परमेश्वर, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। आपने सिफर चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं। जो पिता बाहर रहे, काम करते, जॉब करते, बिजनेस करते, पढ़ाई करते, जहाँ भी है पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, और अपनी आंसुओं से भरपूर करें। इनके जॉब में ब्लेसिंग दीजिए पिता। ओ प्रभु जी, कमाई को ब्लेस करें पिता, पिज्जा की ब्लेसिंग, पीआर की ब्लेसिंग मिलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। हर एक कामों को पिता अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। जो कमाते इनमें फलवंत होने पाए, बिजनेस बढ़ोतरी मिलने पाए, इनके घर परिवार के लोग जहाँ कहीं भी रहते पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखिए और आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। मंजू मंजू, परमेश्वर आपके घरों में आशीष कर रहा है, आपके बच्चों को बढ़ा रहा है, आपके बच्चों के जीवन में आशीष दे रहा है और तेरे सारे काम यीशु के नाम में सफल हो रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम हमने आशीष की घोषणा करते हैं। पुष्पा, चिंता कर करके अपने जीवन को समाप्त कर रही है, तेरा स्वास्थ्य पहले से बिगड़ते चला जा रहा है क्योंकि तू चिंता में पड़ी हुई है और शैतान यही चाहता है कि तू चिंता कर। लेकिन आज की मेरे पियो दिन आपको चिंता नहीं करना है। उस पत्र जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है, उस बंधन से आजाद हो जा। अपना बोझ, अपनी चिंता, डिप्रेशन यीशु के हाथों में दे दे और आजाद हो जा, फ्री हो जा, तेरी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। वर्षा, तू बहुत ही समस्या में है, चिंता में है, परेशानी है, दुख में है, परेशानी में, शैतान ने घेर के रखा है तेरे जीवन को और तू आगे नहीं बढ़ पा रही है, उससे आगे नहीं निकल पा रही है, उससे वो रस्सी की बाहर नहीं निकल पा रही है उससे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे हाथ को थाम कर वहां से निकालूंगा। ओ हालेलुया, मैं अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। प्रार्थना कर, प्रभु के पीछे चल, परमेश्वर तुझे गड्ढे से निकाल कर ऊंचे चट्टानों पर तुझे बैठाने जा रहा है, तुझे आशीष मिलने जा रही है यीशु के नाम में। ये शांति शांति तेरे घर में बहुत ही दुख है, परेशानी है और तेरे परिवार में बहुत ही निराशापन है, कर्ज के बंधनों से घिरी हुई है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर इस सारे कर्ज के बंधन से आजाद कर रहा है, सारे कर्ज की जंजीरें यीशु के नाम में टूट रही है और तेरे घरों में सुख और शांति आ रहा है। जो मुझे एमपी से, यूपी से, इंदौर से, भोपाल से, जगदलपुर से, जबलपुर से और छत्तीसगढ़ से, रायपुर से जो मुझे देख रहे हैं, यस गुजरात से, हैदराबाद से, और अरुणाचल प्रदेश से, असम से, और ओ हाले केरला से, बेंगलोर से, ओ पंजाब से, दिल्ली से, मुंबई से, नागपुर से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, परमेश्वर आपके कामों को सफल कर रहा है। किसी बात की चिंता मत कर बल्कि हर एक बात पे प्रार्थना धन्यवाद के साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ है। परमेश्वर तुझे अपनी आंसुओं से भर रहा है और तेरे कामों को सफल कर रहा है। तेरे जीवन में जो बाधाएं हैं उस बाधाओं को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। विश्वास कर, तेरे काम सफल हो रहे हैं, तेरे जीवन में आशीष आ रही है, जो भी रुकावटें बाधाएं हैं उस सब दूर हो रही है, एक बड़ी समस्या का समाधान तेरे जीवन में दे रहा है। PPYRFSCVPNOLA
सी परमेश्वर आपके घरों में आशीष दे रहा है, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपके हस्बैंड को आशीष दे रहा है, जो बीमारी समस्या चिंता परेशानी उन सबों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। पिता हम आपके नाम से घर परिवार को आशीष की घोषणा करते हैं, आपने ब्लेस की आशीष किया पिता हम धन्यवाद करते हैं। भाई बहन लोग प्रभु जो उपास रुके हैं पिता, दिन भर उपास रहने में सहायता की अतराव में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुंदर समय दिया पिता धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से इन्हें ब्लेस करके अपनी आंसू से भर दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए, परेशानी चिंता निराशाएं सब आपके नाम से दूर हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता, यीशु के नाम में ये आशीष हो जाए और इनके बंधन टूटे, मार्ग खुले, चिंता परेशानी से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता। लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास रहने में सहायता और मदद करें और अपनी आंसू से भरपूर करें। जितने लोग अपने बीच को बोया है, भेंट दान दशमा डाले पिता आपके कार्य के लिए, आपके राज्य बोधरी के लिए, इन सबों को मैं आशीष करता हूं पिता, इनके खत्तों को ब्लेस करें, इनके बच्चों इनके परिवारों में अपनी आंसू को प्रकट करें, जो कमाते इनमें फलवंत हो जाए, 100 गुना से ब्लेस जाए पिता परमेश्वर। ओ रिसिक्रेबे यस 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 लॉर्ड ब्लेस नाउ। ओ पिता जिस विषय के लिए उपास रुके इनकी प्रार्थना स्वर्ग से आप देने जा रहे उत्तर है, हम धन्यवाद करते, रात के बुरे सपनों से आजाद करें और सपोर्ट कर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद करें। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु का पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास करें प्रभु हमें आशीष देगा, हमारे कामों को सफल करेगा, हमारे बंधनों को तोड़ेगा, चिंता और परेशानी से परमेश्वर हमें आजाद करेगा। कब करेगा? जब हम विश्वास करेंगे, जब हम भरोसा रखेंगे यीशु मसीह, हम विश्वास करने वाले हो जाएं, प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। बड़ियों को सिर कहे ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।